तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। आसमान में लड़की का फोटो देखे कई चेहरे जहां में, मगर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है वीडियो। तो इस वीडियो को बनाना सिखाएंगे बिल्कुल आसान तरीका से, आप सीख जाएंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विनीत और स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई वीडियो अगर सबसे पहले टाइम टाइम आपको मिलते रहेगा। इस चैनल पे जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है वो आते रहता है और इंस्टेंट आते रहता है, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी है, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। कुछ भी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल्स में आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन में और यहाँ पे एकदम आसानी तरीके से आपको बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। चलिए इस प्लस वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे, 9.16 को क्लिक कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो जो मैं बताऊँगा आप ध्यान से देखते रहिए, बहुत सारा घुमा फिरा के नहीं, एकदम ईजी तरीका बताऊँगा इस वीडियो को बनाने के लिए। आप सबसे पहले मीडिया पे जाइए, मीडिया पे जाने के बाद एक स्काई कलर जो है होता है डाउनलोड कर लीजिए, गूगल से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए कि मैं ये वाला डाउनलोड किया हो, तो ये वाला मैं लेके आ जाता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, इस वीडियो को या फोटो के ऊपर क्लिक करके ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको डबल क्लिक कर लेंगे तो ये देखिए एडजस्ट हो गया। उसके बाद से यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, इधर उधर हिलेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद से फिर से आप मीडिया पे जाइए और जो जो वीडियो को आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं वो सारे वीडियो आप यहाँ से लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं ये 2, 3, 4, 5 जो भी जितने भी वीडियो है आप लगाना चाहते हैं वो बैकग्राउंड में आप लेके चले आइए, ठीक है। और इस सभी वीडियो को आप पहले स्लो कर लीजिए, जितना स्लो आप दिखाना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैं एक बना के रखा हूँ और इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके डायरेक्ट ये सभी बना बनाया आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक करके बता देता हूँ ताकि आप आसानी से बना सकें, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ से आप एक बार क्लिक कर लेंगे, क्लिक करके ओके कर लीजिए। उसके बाद से देखिए कि इतना बड़ा हमको है, तो इसको सीजर के ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम टू राइट प्लेहेड पर क्लिक करके काट लीजिए। मतलब ये वीडियो आपको इतना ही चाहिए, ठीक है, एक बता दिए। दूसरा आपको ये आसमान का जो है ज़्यादा ज़्यादा दिखाना नहीं है, तो इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे एक बार क्लिक कर लीजिए तो ये भी यहाँ से कट गया दोस्तों, ठीक है। अब ये जो बीच में जो ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है जो बहुत ही कमाल का लगेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेलरेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो दोस्तों यहाँ से गेट मोर पर क्लिक करेंगे तो एक्सेलरेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा आपको, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो ऑप्शन देख रहे हैं स्पीड इन का, तो स्पीड इन पे आप क्लिक कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब देखिए ये वीडियो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से कि ये कैसे चेंज हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा तरीका से ये चेंज होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको पूरा बनाना है। अगर मान लीजिए आप इसमें से किसी और का फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक इस वीडियो को बनाया हूँ पूरा डिटेल्स में, तो इस वीडियो का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, जहाँ से आप जाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे, आपका बैकग्राउंड का जो वो है बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं, मैं बैक चल के फिर से आपको प्लस वाला ऑप्शन को क्लिक करके 9.16 को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपका एक फ़ोटो जो है वो वीडियो लेके आना है, तो मीडिया पे क्लिक करके आप जो वीडियो शूट किए हुए हैं वो वीडियो लेके आते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे मान लीजिए कि ये वीडियो मैं शूट किया हूँ, तो ये वीडियो मैं लेके आ गया, देखेंगे कहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करके इस सीजर वाला ऑप्शन को क्लिक कर ट्रिम टू प्लेहेड और लेफ्ट वाला ऑप्शन को काट लेंगे। यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा आपका जो वीडियो है थोड़ा सा स्पीड में आएंगे, या आप स्लो में भी आ सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा वो, ठीक है। तो इतना दूर मान लीजिए कि आपको कट कर लीजिए बीच से, और ये वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करके आप जो है स्पीड इसका स्लो मोशन कर दीजिए, ठीक है। 0.25 से 1 पॉइंट आगे आपको करना है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 1 पॉइंट आगे। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये वीडियो बन गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से आपको मेन काम है, क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आसान तरीका, बहुत इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं वीडियो का लेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो उस वीडियो को आप यहां से डाउनलोड करके, डाउनलोड करने के बाद ये लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक कीजिएगा,
मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको जो वीडियो आप बनाए हैं, जो आप डाउनलोड किए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों, जो बना बनाया हुआ वीडियो है। अब इसके बाद से इसको क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको आप टान के नीचे करेंगे और बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये वाला ऑप्शन को एक बार आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उसके बाद से ये वाला अप वाला जो ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। तो ये देखिए आपका स्काई में लग गया, और ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मान लीजिए जितना दूर तक आपका स्काई दिख रहा है उतना दूर तक मैं रख लेता हूँ ठीक को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से यहाँ से आप ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद आपका जो मेन काम है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे में आप दिख रहे हैं, यहाँ से ऊपर से आप नहीं दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो लेयर पे क्लिक करना है जो डाउनलोड किया हुआ वीडियो है। उसके बाद से आप जाना है, आपको जाना है यहाँ पर ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन में जाके उसके बाद से नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक डार्किंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो डार्किंग के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका देखिए फ़ोटो यहाँ से दिखने लगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद से आपको एक और मेन काम करना है, वो है ये कि लेयर पे जाना है और मीडिया पे जानी है, और जो वीडियो का साउंड चाहिए उस वीडियो को एक बार यहाँ से आपको लेके आ जानी है। तो मान लीजिए इस वीडियो का साउंड का जो ये है मैं लेके आ जाता हूँ, ये वीडियो लेके आ गया। इस वीडियो को हमको नहीं चाहिए, सिर्फ इसको साउंड चाहिए। तो ये सीजर वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट ऑडियो कर लेंगे तो आपका साउंड जो है वो नीचे लग गया है, और इस वीडियो को क्लिक करके यहाँ से हम काट देंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब मैं एक बार यहाँ पे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, और देख लीजिए ये काफ़ी अच्छा तरीका से लग गया है, क्या ज़बरदस्त और मस्त लग रहा है, देख लीजिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से ये वीडियो बनाया जाता है बिल्कुल आसान तरीका से दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी समझ पाएंगे। दोस्तों मेरा भी टिकटॉक आईडी है @vinitsa8, तो आप वहाँ पर भी जाकर मुझे विजिट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।